हिसाब से बी बस आया और इसमें गया ओबीपी सर्किट में, तो ये ओबीपी सर्किट जरूर यहाँ पे दर्शाया है कि ओबीपी सर्किट के अंदर आया और आने के बाद गया। तो अब यहाँ पे ने ओबीपी सर्किट में दिखाया बस एक पिन पर आया, मगर ओबीपी सर्किट की जो इनपुट होता है तीन पिन पर और तीन ही पिन से आउटपुट निकलता है, छः पिन हो गया नौ पिन की आई सी होती है, नौ पिन में तीन पिन होती है फिर ग्राउंड होती है। तो अगर हम इस हिसाब से स्कीमेटिक के हिसाब से समझेंगे इसे तो हमें एक प्रॉपर तरीका से इसकी वैल्यू पता लगेगी कि इसके स्कीमेटिक में क्या है और इसके बिट मैप में क्या है। बिट मैप में एक लाइन चेक करने के लिए होती है कि साहब आपने क्लिक की और उन्होंने लाइन बता सकता थी कि ये लाइन यहाँ से आकर जा रही है, मगर हमें अगर इसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो क्या पढ़ना पड़ेगा स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में इसको ट्रेस करना और देखना कि कैसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है तो ये आया लेआउट है, तो लेआउट का कोई कैरेक्टर का नंबर कॉपी करके जो भी कैरेक्टर यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर है इसका नंबर कॉपी किया और इसके बाद ठीक है, और इसके बाद ठीक है लाने के बाद यहाँ पे तो ये क्या है मैं आए, तो ये हमारा स्कीमेटिक है। स्कीमेटिक में आने के बाद यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ ने कई लाइन बताई है, यहाँ एक लाइन हमने यहाँ दी है, आईडी यू यूएसबी आईडी